मेरा नाम सुनील शर्मा है, इसी पलवल का रहने वाला हूँ। पिछले 8 साल से फरीदाबाद रहता हूँ ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। आरसीएम से पहले एक मोबाइल की शॉप जो 7 बजे खुलती थी 11 बजे बंद होती थी, वहाँ किसी व्यक्ति ने आरसीएम दिखाया और मुझे समझ में आ गया तो सब छोड़ छाड़ के आरसीएम। हेलो, पहला चेक आया 5 महीने बाद, जो दुकान 80-90 हजार रेगुलर दे रही थी उसको छोड़ के आरसीएम। पागल बनती थी या नहीं थी? घर वालों के सवाल, घरवाली के सवाल, रिश्तेदारों के सवाल कि पागल हो गया है क्या? अच्छा भला काम था, लोग चल के आते थे, अभी तू घर घर जाना शुरू हो गया क्या? प्लान किसने देखा था? कंसेप्ट क्लियर किसको हुआ था? हेलो, पर दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, दुनिया को तुम्हारे डायलॉग से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास अचीवमेंट क्या है? मुझे आज भी याद है, मेरे चाचा एडवोकेट है, वो मेरे से बोलते थे अभी तो तू प्लेटिना पे चलता है यार, इतने दिन हो गए तेरे को। तो मुझे लगा यार गाड़ी लेनी चाहिए, गाड़ी आ गई। फिर कई उन्होंने कहा ये छोटी है, ओके बड़ी ले लेते हैं, तो बड़ी आ गई। पर मेरी ड्रीम कार अभी नहीं आई, और आज जगदीश जी को एक बार तालियां बजा दो, थैंक यू कर दो। मैंने आज उस कार को दोबारा आंख बंद करके उसका रिबन कटते हुए देख लिया है, उसमें परिवार फैमिली को आसपास खड़े हुए माँ पिताजी को उसमें बैठे हुए देख लिया है। हेलो, पर जगदीश जी बता रहे थे कि आप आगे बैठोगे, माँ बाप पीछे बैठेंगे, उनके गोद में बच्चे होंगे, पर मेरी गाड़ी में 2 ही सीट है, मैं और मेरी प्रिंसेस बैठेगी, उसमें है ही तीसरी चौथी, मैं क्या करूं, मेरा सपना ही ऐसा, उसमें है ही 2 सीट। तो कई लोग बोलते थे गड़बड़, मैंने कहा है तो है। हेलो, 5 करोड़ कीमत है उसकी, हवा निकल जाती है। हेलो, डेयर टू ड्रीम, और ये तब से देख रहा हूं जब बल्ले बल्ले कुछ नहीं था, जब 5 महीने बाद 16-27 रुपए का चेक आता था, तब का ड्रीम है। आरसीएम में होने से पहले का ड्रीम है, आरसीएम से माध्यम नजर आ गया था कि यार ये पूरे करवा सकता है। यस और नो? यस। अभी जगदीश जी ने बताया स्टेशन वाली बात कि हम लोग स्टेशन पे सोए, और स्टेशन पे सो के हम रोए नहीं, हमें लगा अचीवमेंट है यार, सतीश पंडित जी सोए हम भी सोए, मतलब गर्व की बात थी हमारे लिए। हमें किसी ने बताया साहिबाबाद सेमिनार है, कहां पड़ता है यार साहिबाबाद, कोई गूगल मैप नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बताने वाला नहीं, पता नहीं किससे पूछ लेते थे। पता चला गाजियाबाद से पहले एक स्टेशन आता है, उसका नाम है, लोकल ट्रेन से यारी थी हमारी, हम बाकी ट्रेनों को देखते भी नहीं थे, लोकल ट्रेन कब जाएगी, कितने बजे उतारेगी, 3 बजे उतारेगी, शाम को 6 से 9 बजे का सेमिनार है रात को। हेलो, जेब भी नहीं चेक करते थे, जेब में कुछ है कि नहीं है, पहुंच गए, ऑटो वाले से पूछा, कोई बताने को तैयार नहीं, और पैसे उतने के वापस भी आना है, 5 लोग हैं, टिकट भी लेनी है, पैदल चले 3 घंटे, 6 बजे पहुंचे वेन्यू पे, 3 घंटे चलना कभी पैदल, और जून थी वो जून, ये लोग बोलते ना जून का जुनून, ये पैदल आया था जुनून। उधर गए 9 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ, एक बार तालियां केसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद 3 घंटे पैदल, 12 बजे पहुंचते हैं साहिबाबाद, वहां से एक शटल छोड़ देता है निजामुद्दीन, और पता चला निजामुद्दीन को अगली गाड़ी कब आएगी, 1 बजा हुआ है, बोला 4 बजे आएगी, और एक पंखे के नीचे हम में से 3 लोग सो गए पंखा घेर के, तो पंखे के नीचे हवा आ रही है, और भूख के मारे हालत, क्योंकि 3 घंटे इधर से चले 3 उधर से चले, हालत खराब है। रंजीत जी को कितने लोग जानते हैं? रंजीत जी को बोला भाई साहब ये जो समोसा सा छपरा है ना, पूछ के आ कितने का है। रंजीत जी गए के समोसे खाने में लेंगे, अंदर जाके पूछा कितने का है, उसने बोला 25 रुपए का, बोला 1 के 5, बोला 1 ही है। वो वापस आए, उनकी चाल ने बता दिया कि बात बनी नहीं है। हमने बोला क्या हुआ, बता तो सही, 25 रुपए मांग रहा है, मतलब है
फिर हमने हिसाब लगाया, फिर आप ही जाएंगे तो इनसे बात नहीं करेगी, क्योंकि दो खरीद सकते हैं हम ज्यादा ज्यादा। नींद नहीं आ रही थी, स्टेशन के बाहर गए, 2 बजे एक आदमी पराठे बना रहा है, तो हम सोच रहे थे दिन निकला है कि रात है, लोग गाड़ियों से आए हुए थे, बोनट पे रख रख के पराठे खा रहे, मशहूर था वो आदमी निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर। हमने हिम्मत करके पूछ ली कितने का पराठा, तो पूछ रहा था आलू के, प्याज के, पनीर के, फलाने के, अरे मैं तू सबके बता दे देखी जाएगी। उसने बोला 8 रुपए का। फिर हमें हिसाब लगाया, मैंने कहा यार कितने आएंगे कितने, दो तो वहां है, तो हमें तो हमारे पास 2 ही के पैसे थे, वापस भी आना था। हमने कहा एक बना, बनाया, आया, इतने मोटे मोटे उंगली के साइज के गाजर के कटे हुए अचार। हमने कहा हमें अचार बहुत पसंद है, देला पसंद नहीं था, पर हमने कहा अचार बहुत पसंद है, और दे एक बार, और दे एक बार, और दे। हम साला पराठे से ज्यादा क्या खा रहे थे, क्यों खा रहे थे। अच्छा एक चीज और है, जब भूख लगती है तो आदमी को शर्म भाग जाती है, ये शर्म आती साली भरे पेट है, इतना मुझे शर्म लगती है, तेरा पेट भरा हुआ है इसका मतलब, जिस दिन भूखा मरेगा उस दिन शर्म करके दिखा। हेलो खाया, पानी पिया, जबरदस्ती भर लिया इसको, फिर याद आई 3 कबूतर वहां सो रहे हैं, एक और पैक कर, अचार ज्यादा डालियो, वो भी शौकीन है। उसके बाद इनसे बोला उठो, तो इन्होंने सोचा हमारी जगह घेरने आ गए, ये उठे ना, तो हमने बोला खाना, जैसे भूखा शेर उठता है ना करके, एक ही था पराठा, 3 लोग थे, ऐसे छोड़ा लिफाफा, विद इन सेकंड पराठा खत्म, लिफाफा कब फटा, अखबार कब उतरा, कब पर किसके हिस्से कितना आया अपने को नहीं पता। और उसके बाद इन्होंने हमें जगह दे दी, अब सो जाओ। सोना किसको था, घर आए, अपने आप को शाबाशी दी, अपलाइनों को बता दिया हम स्टेशन पे सोए हैं। ये छोटे छोटे दर्द ना हमें तकलीफ नहीं देते थे, हमें मजा आता था, कमाल हो गया यार, आज हमने वो कर दिया जो बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, इसका मतलब एक दिन हम बड़े लोग बनेंगे। हेलो, ऐसी हजारों कहानियां हैं, पर ये सुनाने का हक उसी को है जो स्टार रूपी होगा, इसलिए सारी नहीं बताता मैं। कुछ लोग पहले ही रोना शुरू कर देते, अभी बिगिनर हुआ नहीं है कि सर आपको पता है हम भी सोए स्टेशन पे, कोई नहीं सुनेगा, अभी सोना नहीं है, अभी वो किताबें लिखी जा रही हैं, उन्हें लोग सुनेंगे। क्या आप तैयार हैं लेजेंड बनने के लिए? बिजनेस आपको सेलिब्रिटी बना सकता है, हीरो बना सकता है, सुपरस्टार बना सकता है, लोग ऑटोग्राफ लेंगे। अभी मैं 6 तारीख को इटावा था, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि ये लोग कहाँ छुपे हुए थे, क्योंकि मैं गलती करता था, मैं इटावा जाकर सेमिनार करके वापस आ जाता था। इस बार मैंने होटल में नाइट स्टे की और मैंने बोला दिग्गजों को ले आओ होटल में, तो दिग्गज ही आएंगे। हेलो, बाहर 45 डिग्री, अंदर 26 डिग्री, अंदर आते यहाँ हो जाती है थोड़ी सी तो, और उसके बाद बोर्ड और वो और मैं आमने सामने, आई कॉन्टेक्ट मिल जाए, बच नहीं सकता। उसके बाद लोगों ने बोला सर ये इतना बड़ा काम है, उसके बाद हमने इटावा में 5-स्टार होटल ढूंढ लिया, जबकि लोग बोलते थे वेन्यू नहीं मिलता, 1000 लोगों का वेन्यू ढूंढ लिया, कौन ढूंढवा रहा था वो दिग्गज लोग, सर हमें बताओ ना, हम तैयार हैं। हेलो, इसका मतलब जगदीश जी वाली बात सच है, ग्राउंड लेवल पे उतर के ही काम करना। आर यू रेडी? उतर सकते हैं क्या मैदान में तबीयत से? Yes! तभी बात बनेगी, नहीं तो वो जो रिश्तेदार है ना वो इंतजार में है, ये कब छोड़े। हमने तो पहले ही कही भाई साहब इस तरह का काम चलते चलाते, तो तैयार बैठे थे, चलो आगे। कुछ बहाने, कुछ चीजें आपको रोकेंगी 100 डेज में, कुछ पंगा आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आप थानोगे तो ये घटनाएं आपके साथ होंगी। क्या आप तैयार हैं? Yes! पहला एक कारण आएगा, आलस से और बहाने बनाना, कल करूंगा, 100 दिन ही तो हैं। अभी जून में छुट्टियां पड़ी हैं बच्चों की, किस किस को पता है, कुछ की औलाद तो कह रही है मम्मी होमवर्क कल कर लूंगा ना, अरे अभी तो मम्मी टाइम है, ये रोज टाल रहा है, और ये लास्ट वाले दिन मम्मी की जान खाने वाला है, देखना तुम, ये बोलेगा कल मैडम मारेगी मम्मी, क्यों भाई आराम कर, तू 30 दिन गया किधर था, क्योंकि तो तेरे को तो नाटक सूझ रहे थे उधर। हेलो, कोई काम ना करना, काम में प्राथमिकता ना होना, काम ना करने के बहाने ढूंढना। अगर 100 दिन ये काम रहा
पिन तो पक्की बदल जाएगी, अपने आप ही बदल जाती है, हमारी तो अपने आप ही बदली थी, है ना, बहाने बना बना के, है जी। कितने लोगों को सुबह उठने में दिक्कत होती है, हाथ तो इसलिए नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या पूछ। मैं बता देता हूँ तरीका, कई बार अलार्म बजता है, बंद करके सो जाते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको पांच से गिनती शुरू करनी है उल्टी, पांच चार तीन दो एक, जैसे ही एक हो उठ जाना, ये बेस्ट तरीका है सुबह उठने का। कमांड दो अपने आपको, पांच चार तीन दो एक, कहते ही उठ जाना, फट से उठ जाना, उठ जाओगे आप, राइट। यस राइट है। यस आगे चलूं। फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, संदेह करना अपने ऊपर, अपनी योग्यता पर, असफल होने का डर ही कामयाबी की पहली रुकावट है। पर जितने भी कामयाब लोग हैं, डर उन्हें भी लगता है, बशर्ते बावजूद वो फिर भी काम करते हैं। डर हमें भी लगा होगा कि सुनील चली चलाई दुकान, रेगुलर कस्टमर रेगुलर इनकम को छोड़ के तू एक नया पंगा ले रहा है, अगर नहीं चला आरसीएम तो। डर तो लगा होगा ना, पर डर के बावजूद भी काम किया होगा। आपको भी लगता है क्या कभी कभी, नाकाम लौटे तो लोग क्या कहेंगे? पंडित जी बोलते थे, यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं चला तो हूं सुनाने उसे दास्तां वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। और फिर वो बोलते थे, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। ये बिजनेस ऐसे नहीं आया आपकी जिंदगी में, कोई पूजा प्रार्थना पुण्य कर्म कुछ रहा होगा जिसकी वजह से आपको इतनी शानदार कंसेप्ट मिल गई। यस यस नो यस। ये डर निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हैं क्या? यस बोलो। यस। कौन सी ऐसी चीज थी जिसमें डर नहीं था? साइकिल चलाने में डर नहीं था? स्विमिंग में डर नहीं था? कपड़े पहली बार सिले होंगे तो डर नहीं था कि वो जो कपड़े लेके गई है अगर ढंग से नहीं सिले तो नया सूट मांग लेगी, उसके बाद भी सिला होगा उसको, आया ना। पार्लर का काम किया होगा, आईब्रो बनाने में पहली बार हाथ कांपे होंगे कि बड़ी छोटी हो गई तो आज ही कैंसिल कर जाएगी और आने नहीं देगी किसी को, वहां मत चली जाइए, ऊपर नीचे कर देती है। उस डर के बावजूद भी कुछ ना कुछ कलाकारी की होगी, आया ना। पहली बार शादी करके गए होंगे तो डर लगा होगा कि इनके घर में क्या रूल रेगुलेशन है, क्या चीजें हैं, कहाँ किचन है, कहाँ मसाले रखे हैं। उसके बाद भी कांपते कांपते हाथों से कुछ ना कुछ स्टार्ट किया होगा, आया ना। यस नो। टीचर्स बैठे हैं पहली बार पढ़ाने गए होंगे तो डर लगा होगा कि कहीं कोई होशियार वाला पूछ के हमारी क्लास ना लगा दे। और उसके बाद भी इन्होंने पढ़ा पढ़ा के आगे मास्टर जी हैं। यस नो। तो ये डर रहेगा पर इस पर काबू पाना ही कामयाबी है। अगला पॉइंट है फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ सब। जब लोग आपको मना करते हैं परेशान होकर कोई कार्य ना करना, नकारे जाने का डर, और नकारता कौन है जिससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद होगी? मेरा सबसे जिगरी यार नकार गया, मेरा रिश्तेदार नकार गया, रिश्तेदार ने तो मेरी और जगदीश जी की क्लास लगा दी, हम प्लेटिना से गए दोनों भाई और हमें बोला कौन सी गाड़ी से आए हो तुम, मैंने कहा तेरे सामने ही तो उतरे टू व्हीलर से। उसके बाद 18 लाख के बिल, 22 लाख के बिल, 25 लाख के बिल दिखा रहा था, बोला इतने की बिलिंग होती है मेरी, आईटीआर समझते हो तुम? मैंने कहा क्या होती है आईटीआर? टैक्स वैक्स रिटर्न होता है तुम्हारा कुछ? अरे कौन सा, कहां फंस गए हम, हमें क्या पता था क्या होता है टैक्स रिटर्न आईटीआर? आज पूछ आईटीआर किसे, आज पूछ साले कौन सी गाड़ी से, आज पूछ। वो कब पूछ रहा था? उसके बाद गाड़ी फेसबुक पर डाली, उसने लिखा दीजा जी घर कब आओगे, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तेरी छत पे हेलीकॉप्टर नहीं उतारा, अपनी बाप की औलाद नहीं, कमिटमेंट है साला अपने आप से, मैं जाऊंगा नहीं उसके घर, तूने मेरी औकात नापी थी, मैं तेरी औकात ना नाप दूं तो मैं धरती पे आ गया। ड्रीमर्स का बिजनेस है, पंगे ऑटो का बिजनेस है, आग लगनी चाहिए है क्या? एरा गेरा मना कर जाता है, उसकी नाप नहीं दी, तब तक काम करते रहना, तब तक चलते रहना जब तक उसे ये ना बता दो तूने नाप करी किससे थी, तेरी औकात
हेलो yes! मैं तुझे कुछ देने आया था या लेने आया था? देने। मैं अगर डायमंड जाऊंगा तो वो स्टार सफायर होता कि नहीं होता? yes! अगर मेरा नाम होता तो उसका नाम होता कि नहीं होता? yes! पर उसे मंजूर नहीं था, पर उसने वो किया जो परमात्मा मेरे लिए चाहता था। पिन लगा दे इसको, तेरी पिन उसको सही जगह लगेगी, और वो लगी हुई है आज भी। लोग बोलते रूबी अचीवर है यार, दोनों साइड स्टार एमराल्ड है और दुनिया भर के एमराल्ड है, क्या जरूरत है रोज भागने की? हेलीकॉप्टर नहीं आया ना अभी? यस आऊंगा। यस यस ड्रीम छोटे मोटे नहीं, मैं बताता नहीं हूँ लोगों को ऊपर से जाकर, बताऊंगा बाद में। रिश्ते खराब होने का डर। सर जो मेरा फोन उठा लेते थे फोन नहीं उठा रहे सर। सर रिश्ते खराब हो जाएंगे सर, हमारी रिश्तेदारी टूट जाएगी, तेरा नमक खाने से तेरी रिश्तेदारी टूट जाएगी। है वो 28 रुपए का खा रहा है, तेरा 17 रुपए का खा लेगा तो तेरी रिश्तेदारी टूट जाएगी। वो टूटी पड़ी है, तू वहम में है कि मेरी रिश्तेदारी है। वो तेरा भाई तेरे कहने से सामान नहीं खरीद सकता, जहर दे रहा है तू उसे। हेलो किस बात की रिश्तेदारी भैया, किस बात की टेंशन लिए बैठा? वो खराब है, तू उसे सही माने बैठा है। आया ना? यस। हेलो यस। हेलो यस यस। लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग? अच्छी वाली दुकान चल रही थी, क्या कहेंगे लोग? नमक मिर्च का कारोबारी हो गया, नमक बेचता है, अच्छे वाले मोबाइल बेचता है, अभी क्या बेचता है? नमक। खराब चीज है नमक, है खाना बना नमक मत डालना, बहुत खराब चीज है। बिना नमक सब सून आमला। हेलो धरा रहेगा चून, कोई फायदा नहीं नमक बिना। इतना बड़ा कारोबारी में जिसके बगैर खाना नहीं बन सकता, गर्व की बात होनी चाहिए। आए ना टाटा 60,000 करोड़ का नमक बेचता 28 रुपए वाला, 60,000 करोड़ सालाना, मैं 17 रुपए का 60,000 करोड़ का नमक बेच सकता, ये अपना एटीट्यूड होना चाहिए। yes. Yes. आपको गर्व होना चाहिए मैं जो कर रहा हूँ, साला खुद ही शर्म आ जाती है, लोग क्या कहेंगे। 10,000 करोड़ देखिए भैया, ओहो बिजनेस वूमेन आ रही है, ओहो भैया रास्ता दे दियो। और हम मजाक उड़वा रहे हो, उन्हें बोलो रास्ता तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। यस नो? yes! उस तरह का कुछ अंदर चलेगा तो खेल होगा। इतने लोग खेला करना चाहते हैं। yes! अंदर कुछ वो चलाओ खतरनाक वाला, अपनी वैल्यू खुद लगानी होती है, सामने वाले की नहीं। आपके प्लॉट की कीमत सामने वाला कभी उतना नहीं लगाएगा जितना आप लगाते हो, लगाएगा क्या? no! ऐसे ही आपकी वैल्यू आपको देखनी है, मैं क्या हूँ। समझ में आ रही बात? yes! कितनों को मेरी बात पल्ले पड़ रही है? yes! नहीं भी पड़े तो पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी भी आएगी, हेलीकॉप्टर भी आएगा, सब कुछ आएगा, दिखा दूंगा। हेलो yes! क्योंकि yes! मैं 21वीं सदी की सबसे बड़े कारोबार में हूँ। yes! इसका मतलब मैं सबसे बड़ा कारोबारी हूँ। हेलो yes! yes! समझ में आ रही है? yes! कुछ के आ रही है, कुछ के बाउंसर जाए। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड द अननोन, अनिश्चितता का डर। क्या गारंटी है ये बिजनेस चलेगा? कईयों को लगता है ना, कैसे मान लें सर ये चलेगा? अनिश्चितता के डर के कारण लोग नए विचार बिजनेस पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते, अनजाने डर की वजह से लोग पीछे हट जाते हैं। क्या गारंटी है चलेगा? मैं देता हूं गारंटी। हेलो yes. जब तक लोग नमक मिर्च खाते रहेंगे तब तक आरसीएम चलेगा। yes. जब तक लोग कपड़े पहनते रहेंगे तब तक आरसीएम चलेगा। जब तक लोगों के सपने जिंदा रहेंगे तब तक आरसीएम चलेगा। चलेगा क्यों नहीं चलेगा? yes. हर 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 रोज 1,00,000 बच्चे पैदा होते हैं और सबको इन चीजों की जरूरत है, इसलिए आरसीएम चलेगा। Yes or no? yes. और आरसीएम आरसीएम अब आरसीएम नहीं है, आरसीएम वर्ल्ड है, विदेशों में जाने की तैयारी, आरसीएम चलेगा नहीं उड़ेगा। yes. अभी तो रुपीज आते हैं फिर डॉलर्स में आएंगे, अभी 1,00,000 रुपए आते हैं फिर 1,00,000 डॉलर आएंगे, धमाका होगा। पर आप तैयार हैं क्या? yes. अपने आप को तैयार कीजिए, इसको तैयार कीजिए इसको, क्योंकि खेल किसका है? yes.
खेल खेल रंग रूप पढ़ाई लिखाई का नहीं है, खेल इसका इसमें क्या चल रहा है, आप वहीं पहुंचोगे जो इसमें चलेगा। यस नो? यस सर। यस नो सर? यस। व्हाइट शर्ट नहीं पहनते थे हम लोग बाइक पे चलते थे, जब काली हो जाती थी, हम रंगीन पहनते थे, जब से गाड़ी आई हमने व्हाइट कर ली है। ओवरऑल निष्कर्ष ये निकलता है, इस प्रकार की नकारात्मक चिंतन के कारण पूरा भरोसा नहीं कर पाते, जिस वजह से प्रयासों में कमी रह जाती है, प्रयासों में कमी रह जाती है, प्रयासों में कमी रह जाती है, और प्रयासों में कमी रहेगी तो परिणामों में भी भारी कमी रहेगी। अभी इलेक्शन हुए हैं, कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, कुछ लोग प्रयासों में कमियां चेक कर रहे हैं कि कहां कमी रह गई यार, हेलो कहां कमी रह गई, हमें तो ये उम्मीद थी ये कैसे रह गई, लगे हैं लोग उन चीजों को चेक करने में, एनालाइज करने में, आया ना? Yes. पर इन्हीं में से कुछ रह गया होगा, डर कोई ना कोई चक्कर रह गया होगा, आया ना? Yes. इसी वजह से उनको कामयाबी नहीं मिलती, एज ए रिजल्ट दे विल नेवर सी इनफ्लो ऑफ एनी काइंड। आगे चलूं? द सॉल्यूशन, समाधान क्या है, कैसे होंगे ये सारे के सारे जो आपने पढ़े, इनका सॉल्यूशन क्या है, सॉर्ट आउट कैसे होंगे? बिकम ए फियरलेस विजनरी। फियरलेस मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता जब मैं हेलीकॉप्टर बोलता हूँ, मेरे लोग अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं, सोचने दो क्या दिक्कत, पर एक दिन आप फोटो खिंचवाओगे उसके साथ, उसमें भी पर्चियां बांटूंगा, ये ही आने चाहिए, ये नहीं आने चाहिए, जिन्हें भरोसा नहीं, इन्हें बाउंड्री के उतर रख, इधर नहीं आ जाए। अब सब कह रहे हैं हम आएंगे हमें सर, इसलिए हमेशा भविष्य दृष्टा बने और निर्भीक होकर कार्य करें, डर नहीं होना चाहिए। मेरा बिजनेस अमृतसर गया, वहां से मुझे एक व्यक्ति ने बोला कि क्या आप हमारे गांव आ सकते हो, बिल्कुल, उसने बोला हमारा गांव चंबल घाटी में है। भाई साहब एक बार को तो मुझे लगा गलत आदमी से मिले, मैंने कहा ठीक है चंबल ही आएंगे, और जब मैं चंबल गया तो हर आदमी मुझे डाकू लग रहा था, क्योंकि जब मैं टाई की बात, बड़ी बड़ी मूछें टाई की बात करता था तो मेरे अंदर से आती थी कि नहीं टाई पहना रहा है तू, पर आज उसी चंबल से 50 लाख का बिजनेस आता है और 50 करोड़ की तैयारी है। हेलो चंबल वाले 3-पीस सूट में रहते हैं, 32 रॉयल्टी, 4 टेक्निकल अचीवर हैं, और डर जाता तो, क्योंकि मैं अपने आप को एक डायलॉग मारता रहता था हमेशा, पूछो क्या, ताकि डर ना लगे, डर यार सबको लगता है पर कुछ तो हो। जब मैंने वहां शुरू किया तो वहां एक और टीम काम करती थी, और वो टीम ये बोलती थी यहाँ टाई मत लगाना, इनकम मत बताना, मैंने कहा क्यों, बोला बांध लेते अपहरण वाला क्षेत्र है वो, मैंने कहा था टाई भी लगाएंगे इनकम भी बताएंगे, बांध बांध। कुछ लोग बोलते सर ये हमारा इलाका है, तो मैं उनके बोलता था इलाका कुत्ते बिल्लियों का होता है, शेर जहां सारा पंजा रखे वो इलाका उसका हो जाता है। अर्जुन इलाका अपना MP यूपी राजस्थान तीनों बॉर्डर कनेक्ट करती है वो जगह, उसको चंबल बोलते हैं, वहां यमुना भी है, चंबल भी है, उटंगड़ भी है, नदी का नाम बता रहा हूँ मैं, उटंगड़ नदी भी है उधर, ऐसा नो तो डर नहीं होना चाहिए। बिंदास देखो जो दिखता है आपको, मुझे बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ मुझे वो भी दिखता है, कई बार मुझे लगता है मुझे ही क्यों दिखता है, क्योंकि ईश्वर मेरे माध्यम से करवाना चाहता है और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों चलेगा, यूं चलेगा 368 चपरासी पद, 368 चपरासी पद, 23 लाख लोग तैयार हैं चपरासी बनने को, और जिसमें लगभग 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 255 PhD होल्डर्स। लोग बोलते हैं ना क्यों चलेगा RCM, क्यों चलेगा RCM, क्योंकि सब PhD
255 पीएचडी 368 पद, आप कल्पना तो करिए लोग कहां लाइन में लगे हुए हैं। हेलो, सीट 368, फॉर्म 23 लाख, और एक फॉर्म की कीमत 23 लाख इंटू 500 कर दूं तो इतने करोड़ रुपए गवर्नमेंट कागजों से छाप लेती है। हेलो, यस, और हम छपवाते हैं। यस, आया ना। यस, मैंने आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा क्योंकि मेरा बापू आर्मी में था और उसने बोला चक केले बेच लेना, नौकरी मत करना। थैंक यू बापू। फाइव सिंपल स्टेप्स सॉल्यूशन, कामयाबी के 5 कदम। यदि आलस और टाल मटोल की प्रवृत्ति है तो भगवान भी आपको कामयाब नहीं कर सकता। अभी बोल रहे थे ना, स्वयं माधव उतर आएगा। माधव क्या करेगा जब आलस करेगा तो? माधव बोलेगा तीर चला, बोला गुरुजी तुम ही चला दो, तो माधव लाभ देगा उधर रथ से उतार देगा, अर्जुन की जगह दूसरा चढ़ा लेगा। माधव को तो महाभारत जितवानी है रे। हेलो, वरना ये 5 कदम आपको 100% लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। 5 steps for success। चलो आगे, टाल मटोल मत करना बस। अगर आज आप उससे मिलने नहीं गए, उसका रिश्तेदार उसको ज्वाइन करा गया कल गए तो, और वो 5 साल बाद तुम्हें स्टार रूप मिला, अपने आपको माफ नहीं कर पाओगे। आया ना। Yes. ऐसे बहुत सारे हैं मामले। Have a complete understanding how MLM works. इसकी पूरी जानकारी लें कि नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करता है, आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। कितने लोगों को है इसकी जानकारी? Yes. अगर आप 10 लोगों की टीम बनाते हो तो कितने घंटे बढ़ गए आपके? 10। उन्होंने 10-10 की बना दी तो कितने घंटे बढ़ गए? 100। और एक आदमी पूरी जिंदगी में 24 का 25 नहीं कर पाता, इसलिए वो गरीब रह जाता है। और यहां ये एमएलएम अलग तरीके से काम करता है। सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों और इनको इनके उत्तर आपके पास होने चाहिए। ज्यादातर क्या सवाल पूछा जाता है? कंपनी भाग गई तो अब सवाल ही बंद हो गया। मैं क्या था जल्दी बताओ। मैं एक गांव में था, वहां एक दूधिया दूध बेचने वाले की 10-12 भैंस थी। वो मेरे से आगे बोलता है कंपनी भाग गई तो? मैंने कहा बिल्कुल भाग सकती है, पर मैं एक सवाल पूछूं। बोला आपके पास कितनी भैंस है? बोला है 10-12। मैंने कहा अगर आपका दूध हर महीने नगद बिके और नए ग्राहकों की लंबी कतारें बढ़ती जाए तो भैंस बढ़ाओगे या बेच के भाग जाओगे? बढ़ाऊंगा। मैंने कहा तो यू बढ़ा रही है, सही बढ़ा रही है। हेलो, नगदी ग्राहक हैं और हर महीने बढ़ रहे हैं। करा जी, समझ गया, मैंने मत पूछियो, चला गया। हेलो, कंपनी पूरा प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, प्लान, प्रमोशंस, क्लियर कैलकुलेशन ऑफ पे आउट, प्रोडक्ट्स नॉलेज, हाउ टू एक्ट एंड रिएक्ट, हाउ टू लिसन एंड आंसर, टीम बिल्डिंग, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मनी, प्रीवियस पैरेलल वर्क, फैमिली टाइम एंड फॉलो विद कंपनी। डोंट बी रिएक्टिव, हमेशा कंपनी के साथ रहें, क्योंकि कंपनी है तो हम हैं, जैसे देश है तो हम हैं। यस नो? कंपनी ने कोई डिसीजन लिया है तो हमारे फायदे के लिए लिया है। पर बहुत सारे लोग जब जब बदलाव आता है ना, अलग ही पंचायत लेके बैठ जाते हैं, ये गलत किया टीसीजी ने। 4 महीने बाद कहता है बिल्कुल बढ़िया किया सर, मजा आ गया, बोनस। जब ये बोनस चालू हुआ था लोग असमंजस में थे, भाई साहब क्या हुआ, सर मर जाएंगे लोग। अबे मरेंगे नहीं, वही चलेंगे जिन्हें जिंदा रहने का हक है। चलो आगे, चलो। आप हैरान रह जाओगे, मैंने इटावा मीटिंग की, हमारी टीम में डीएसपी साहब, वो अभी रिटायर हुए, उन्होंने स्टोर भी ले रखा है आरसीएम का, और 2.5 साल हो गए उन्हें। उस मीटिंग में उस व्यक्ति ने मीटिंग के बाद अपनी अप्लायंस से पूछा, सर इसमें नॉमिनी ट्रांसफर हो जाता है? कितने साल बाद? 2.5 साल बाद डीएसपी कृष्ण मुरारी पूछ रहे हैं कि इसमें नॉमिनी ट्रांसफर हो जाता है सर? जो आदमी 2.5 साल से सेंटर चला रहा है, हर मीटिंग में आता है, हर आरटीपी में आता है, उसका मतलब उसका ध्यान किधर था? ये तो हर उसमें बताया जाता है नॉमिनी ट्रांसफर होता है, उसको पहले दिन पता चला।
आपको तो क्लियर है देवताओ। yes! मैं हैरान, मैं 2 दिन से मेरे दिमाग में, मैंने कहा भाई साहब 2.5 साल एक आदमी कोट पैंट सूटेड बूटेड सेंटर चला रहा है, उस आदमी को 2.5 साल बाद यह पता चल रहा है नॉमिनी ट्रांसफर। उत्तरी आपको तो पता है, दोबारा बताऊं? नहीं नहीं बताऊं भैया, क्लियर होने चाहिए सारी की सारी चीजें। आया ना, तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आप उस डर से बाहर आ जाओगे। नॉलेज नॉलेज के अभाव ही डर है, जैसे जैसे नॉलेज आएगी कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यस नो? जब नया आदमी होता है उसको एक डर होता है, बताना क्या पूछ ले। फील्ड में जा, पूछ के तुझे पता चल जाएगा क्या पूछ लेगा, उसके आंसर लेके जा अगली बार। आया ना? यस नो? और जब लीडर बन जाता है तो उसके अंदर एक चीज चलता है, कुछ भी पूछ ले, पूछना, क्योंकि लीडर एक समय के बाद उसे ये पता चल जाता है सब सवालों के जवाब देने नहीं होते, कुछ के जवाब इग्नोर ही करने होते हैं। यस नो? सर आपको पता है इस चाय में क्या क्या पड़ा है? भाई मुझे नहीं पता, कंपनी चल दिखा लाऊंगा। किस किसने देख लिया भिलवाड़ा? तो बात खत्म, टेंशन खत्म, क्यों मेक ए डिक्लेरेशन दैट यू बी ए नेटवर्क डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोफेशनल। लोगों के सामने अपने आप को घोषित करें कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा आपकी ड्रेस कैसी, कितने लोग हैं बोलते मैं मालिक हूं? yes. सच्ची? yes. भीलवाड़ा में लिखवा दिया मैं मालिक हूं। हेलो? yes. फील्ड में निकलने से पहले मिरर के सामने खड़े होकर देखना क्या मैं लग रहा हूं। रक्ति भर भी डाउट आया तो बोलना नहीं लग रहा हूं, फील्ड में मत जाना। फील्ड में मत जाना क्योंकि तुम पार्टनर ढूंढने जा रहे हो, उससे पहले तुम तो बन लो पार्टनर जैसा लगना चाहिए। कुछ लोग मोदी जैकेट पहन के घूम रहे हैं आजकल फील्ड में। yes. कुछ लोग की पेंट अलग है, जैकेट अलग है, कुछ अलग है। कुछ लोग बाजू में चढ़ा के घूम रहे हैं आजकल फील्ड में। कुश्ती लड़ने गए थे रे, बाजू चढ़ाने का क्या मतलब है? हेलो? प्रोफेशनल नेटवर्क डायरेक्ट मार्केटिंग क्या बनना? डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर, घर से निकलो टाई लगा के। नहीं लगा सकते छोड़ दो, तुमसे कौन कह रहा है? आसिम करो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हें डर लगता है। याद करो, अगर तुमने पुरानी फिल्में देखी हल्दी घाटी पानीपत का युद्ध, भाई साहब 50-50 किलो की तो ढाल कसते थे वो लोग, इतने इतने किलो की तलवार, उतना बड़ा हाथी, गर्मी उसे भी लगती होगी। हेलो? yes. कितने किलो किलो के जूते लगती होगी। yes. और उसे पता है इनके बगैर युद्ध नहीं जीता जा सकता। yes. आया ना? yes. तो मैं भी लग सकती है, लगनी चाहिए, लगती होगी, पर रहना पड़ेगा। yes. रहन सकते हैं क्या? yes. कितने लोग? yes. हर बार हाथ क्या देते हैं, अगली बार जो ड्रेस में ना हो पता ही ना आए, नहीं तो पुराने वाला सुनील जाग जाएगा। मेरा एक लीडर 10 साल बाद मुझे गाजियाबाद मिला और स्टेज पे आके बोलता है सर हमने इनका जलवा देखा है, बैग में कैंची रखता था यार, बाल काटने के लिए नहीं, टाई जिसने शादी वाली पहनी। सर ये हमारी ब्याह की थी सर। मैं बोला ब्याह हो गया और चढ़ा गया कान पर बोली। सर क्या देश है, भूलिया ना एक बार। तो नहीं भी रखता था, पकड़ाता भी था, कैसे लगा गई, और आज के बाद दूसरी टाई पहन दी तो लोगों में दहशत थी, कैंची वाला गुरु जी। कुछ लोग ये वाली जैकेट पहनते थे, दूसरी पहन ली तो यहां से काटता था यहां से। ये वो आदमी से बता गया राजकरण। हेलो? मैं बोला मैं नरम हो गया हूँ यार, अब मैं कुछ नहीं कहता, कामयाबी तुम्हारी गर्ज है, आओ आओ मत आओ। हेलो? पर कुछ लोगों को तो मैं खींच दूंगा, कुछ को तो मैं बख्शू ना, जिन्होंने बताया जिनकी मैं कह रहा हूँ। बाकी चले आगे चलो। हेलो? टेक एक्शन व्हाट यू हैव,
व्हाट यू हैव लर्न, जो सीखा है उस पर काम करें तुरंत। एक साथ बोलेंगे, जो सीखा है उस पर काम करें। ये जो डायरियां भर भर के जो घर में रख देते हैं ना, ले ले जा, कुछ नहीं, कुछ होना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आप, 100 दिन मतलब 100 दिन, कुछ लोग आगे निकल जाएंगे, कुछ लोग ताली बजाने के लिए आएंगे और मालाएं डाल के सेल्फी लेंगे उनके साथ जो आगे निकल जाएंगे, देख लेना आप इस बार। और कुछ लोग बहुत सीरियस हैं अपने ड्रीम को लेकर, बहुत सीरियस है, दिन रात उनके दिमाग में एक चीज चल रही है, कुछ बदलना है, क्योंकि आपका बदलेगा तो टीम का बदलेगा, आप वहीं खड़े रहोगे टीम मर जाएगी। राइट सर? यस। राइट? यस। दे डोंट डू तालमतोल ऑन एक्शन। तालमतोल नहीं करते किस पे? एक्शन पे। आया ना? यस। आरसीओं को बुलाना आसान है, मुश्किल है? आसान। मैं तो बोलता हूँ, घर उसका, टेबल उसकी, कुर्सी उसकी, पानी चाय नमकीन उसकी, पंखा उसका, एसी उसका, बिजली का बिल उसका, प्लान आप दिखा रहे हो, चाय उसकी, कोल्ड ड्रिंक पिलाए, जो मर्जी पिलाए, सब पी लो, बाद में प्लान दिखाओ। उसके बाद बोले नहीं दिखाना, तो उसको थैंक यू जरूर बोलना। मैं भी रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें बोलता है पावर ऑफ थैंक्स, धन्यवाद है। yes. एक लड़का पेन बेच रहा है, पेन, धन्यवाद उन्हें ही नहीं देना जिन्होंने पेन खरीद लिया है, धन्यवाद उन्हें भी देना जिन्होंने पेन। पर कमाल ऐसा हुआ कि वो जैसे ही उन्होंने बोला सर ये पेन है आप लेंगे और ऐसे ऐसे, और सर ने बोला नो, बोलो बोलो नो, नो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनके अंदर चुटकुली मत जानी चाहिए, पेन तो लिया नहीं, थैंक यू सर, ये मुझे वापस बुला के बोले सर एक तो दे दिया। हेलो, तो थैंक यू करना है, कर सकते हैं, आगे चलें। सीखने के लिए ड्राइवर सीट पे ही बैठना पड़ता है। कौन सी सीट पे? जो जगदीश जी बता रहे थे, कौन सी सीट पे बैठना पड़ता है? नहीं, कितने वीडियो देख लो, कितने कुछ कर लो, प्लान शो और मास्टर ऑफ प्लान बनना है तो अपने प्लान, 1000 प्लान दिखाने के बाद आप मास्टर हो जाओगे, पर वो 1000 प्लान अपलाइन से दिखाओगे तो अपलाइन मास्टर हो जाएगा, उसके लाखों आएंगे। हेलो, मैंने अपने प्लान अपलाइन से नहीं दिखवाए, जगदीश जी ने अपने कुछ प्लान मुझसे, बाद में मैंने इनको ड्राइविंग सीट पर डाला, अपने खुद दिखाओ। उस दिन डॉक्टर साहब के दिखाए, उसके बाद डॉक्टर साहब को ड्राइविंग सीट पर डाला, अपने प्लान खुद दिखाओ, टूटा फूटा ही दिखाओ, कैसे ही दिखाओ, अपनी रोटी खुद बनाओ, गोल हो रही है, चौकोर हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि अपनी रोटी सबको अच्छी लगती है। yes. कितनी जल जाए, जली जली को फेंक के भी बहुत अच्छी लगती है। इफ एग इज ब्रोकन बाय आउटसाइड फोर्स लाइफ एंड, अगर अंडा बाहर से टूटा तो लाइफ एंड, ऑमलेट बनेगी, ओम को लिटा दिया जाएगा, ऑमलेट बनेगी, पीले से रंग का वो होता है, पीली ये होती है। इफ ब्रोकन बाय इनसाइड फोर्स लाइफ बिगिंस, ग्रेट थिंग्स ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम इनसाइड। हेलो, ग्रेट चीजें कहां से आती है भाई साहब? बाहर से कोई अप्लाइन नहीं डाल सकता, अंदर से वो ज्वालामुखी फटना चाहिए। कितने लोगों का फट रहा है? yes. आज ही फटेगा कि कल बंद हो जाएगा? हेलो, चार लोग मना करें, हमें मलाल होना चाहिए, वो आपकी टीम में नहीं आ पाई, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर हुआ, कर सकते हैं क्या? yes. चलो आगे, चलो जिसको काम करना है वो समाधान निकाल लेगा। इसकी भूख इसे बताती है, ये नाटक नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा छोटा है, कि उसे कौन रखेगा, मैं प्लान कैसे दिखाऊं, ये प्लान ही दिखा रही है इंटरेस्ट। yes. ये समाधान ढूंढ लिया उसने, कितनों को भेजे में उतर रही है तस्वीर। yes. आज के बाद अगर किसी ने फोन पे मुझे ये बोला तो मैं यही वाली ईंट फेंक के मारूंगा, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं गुस्से में हूं। नाटक मत करो, अगर तुम्हारे बस की नहीं है, कौन कह रहा है तुम चढ़ा जिंदगी, छोड़ो, करो वही चूल्हा चौका जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है ऊपर वाले ने, तुमने ठाना था कि हम तेरी लिखी तस्वीर तस्वीर सब बदलेंगे, इसलिए तुमने पंगा लिया है। आया ना? yes. तुमने ठाना था ये जॉब और बिजनेस से निकल के कुछ बड़ा फेल करना है, इसलिए पंगा लिया है। पंगा किसने लिया? खुद ने, रुकतेगा कौन? समाधान कौन निकालेगा?
और हम समाधान किससे निकलवाते हैं? अपलायंस से। सर मैं सुबह 10 से 11 रात को बिजी हूं पर मैं डायमंड बनना चाहता हूं, आप बताएं मैं कैसे करूं? कैसे बताएगा अपलायंस भैया? मैं ये बात अगर अपनी अपलायंस से पूछ लेता कि सुबह 7 से 11 तो अपलायंस कहता 11 से 12 है कौन मिलता रहे मेरे को? सॉल्यूशन किसको निकालना है? जो कि जिसे काम करना है समाधान ढूंढ लेगा, जिसे आराम करना है वो बहाना ढूंढ लेगा। आपको क्या ढूंढना है? समाधान। क्या ढूंढना है? समाधान। इधर वाले कुछ लोगों ने ढूंढ लिया है, नीचे देख रहे हैं, देख नहीं रहे इधर। आगे चलो। लर्न लेटेस्ट क्या कर रही है भैया? मैया क्या कर रही है? इंतजार में बैठी रहे कोई आएगा हैंडपंप चलाएगा तब हमारी प्यास बुझाएगा। इसने कहा बाढ़ में जा माता टे टे मुंह से ही चालू और यहां भर लेती और पी लेती। ये युग उसी का है जो नई चीजें सीख रहा है। हेलो स्कूटी कोई बड़ी चीज नहीं है, कार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपने उससे ज्यादा खतरनाक चीजें सीखी है। सीखी या नहीं सीखी? एक लीडर बोलता है कि दर्द जो होता है ना वो 10 डेसिबल अंतिम सीमा है और माँ झेलती है 12 डेसिबल जब बच्चे को जन्म देती है। 10 पे बंदा मर जाता है, ये 12 झेल जाती है। क्यों? इसका ड्रीम होता है, सपना होता है कि जो मैं नहीं कर पाई ना मेरा नन्ना मुन्ना करेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा। बाहर में गया नन्ना मुन्ना कुछ नहीं कर रहा, खुद ही मम्मा को करना पड़ेगा। खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ ना, भूल जाओ आपके औलाद करेगी, तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि औलाद किसकी है? तुम्हें ही देख रही है तुमने कौन से तीर मार दिए। हेलो yes. आज आप बच्चे से बोलते हो 90% आने चाहिए, आज की औलाद पूछ देती है 10वीं मार्कशीट लिया। ओ बात तू बता मैं इसमें कितने आए, बहुत होगी तेरी। अरे भैया हम कुछ ना कह रहे, तू पढ़ मत पढ़ तो आजकल की औलाद है भैया, आजकल की डाउनलाइन। हमारे टाइम में अगर अपलाइन आ जाए सांस रुक जाती थी लोगों की, आजकल की डाउनलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। होगा तू रूपी अच्छे वर्तो क्या होगा ले? कितने लोग सीख लेंगे लेटेस्ट? yes! सब कुछ जो बिजनेस में जरूरी है ये सोच लो कि सब कुछ सीखूंगा जो मेरे व्यापार में। टेक्निकल अचीवर अपना प्रोजेक्टर लैपटॉप जितनी जल्दी संभाल लेंगे उतनी जल्दी क्रांति हो जाएगी। जितना लेट रहोगे बच्चों को मार रहे हो आप पीछे, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि हमारे टेक्निकल पे नहीं है तो हम क्यों लें। हेलो Yes. और हमने कब लिया था? जब हम रॉयल्टी भी ढंग से नहीं थे। एज ए रोल मॉडल एज ए एग्जाम्पल बनना। स्टेप नंबर 5 लर्न टीच एंड योर एक्शन एक्सपीरियंसेस। सीखें सिखाएं और अपने जैसा बनाएं। सीखें सिखाएं और अपने जैसा। कितने लोग चाहते हैं आपकी टीम आप जैसे होनी चाहिए? Yes. निकम्मी नकारा नल्ली एक ही प्लान नहीं दिखाती ऐसी। कितने लोग चाहते हैं मेरी टीम मेरी जैसी हो जाए? मेरी दोनों तो तुम्हें वो बनना पड़ेगा। अब देख कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, पता है मैंने क्या कहा है। ओके ओके पहले क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? दोबारा लर्न फिर डुप्लीकेट। कुछ लोग केवल एक बार लर्न करके उसमें लगे हुए ना ना, बार बार सीखना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा। आज की मीटिंग में जो बात बताई अगली में नहीं बताएंगे, जो नहीं आए उन्हें पता क्या लगता है अगली में बता देंगे। सर वो वहां से वो आए थे, मैंने उनकी कापी में से टीप मार ली है। सर हो गया, कापी टीपने से बनते नहीं। तो बन गए होते अब तक, कापियां टीपी है। Small steps towards a big journey. ये छोटे छोटे बतक के बच्चे हैं, ये step by step चल के पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे beginner, starter, opener, eagle, runner, winner, छोटे छोटे steps. Right, sir? बहुत बहुत धन्यवाद।